जुलाई से बदल जाएगी आपकी सैलरी, नया श्रम कानून लागू होने के बाद होंगे बदलाव। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता होगा, एक अपने पिछले वीडियो में हमने बताया था कि 1 अप्रैल 2021 से नया श्रम कानून लागू होने के बाद सभी के वेतन में बड़ा बदलाव होगा, सभी के वेतन में वृद्धि की जाएगी। वहाँ पर दोस्तों 4 नए श्रम कानूनों को लागू किया जाएगा, जो कि अप्रैल से बढ़ा करके जुलाई का समय दे दिया गया है। जुलाई में 4 नए श्रम कानून लागू किए जाएंगे। इससे क्या क्या बेनिफिट होंगे आपको हम इस वीडियो में भी आगे जानकारी डिटेल के साथ देने वाले हैं। कौन कौन से कर्मचारी इसमें शामिल होंगे, कौन कौन से कर्मचारियों को इसमें क्या फ़ायदा मिलेगा और कितना वेतन बढ़ेगा, आगे वीडियो में सारी जानकारी मिलने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में या फिर नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे आप ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे कि हमारे चैनल पर आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों से रिलेटेड या अन्य किसी भी कर्मचारियों से रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो आपको इस चैनल पर सबसे पहले प्रोवाइड कराई जाती है। तो चलिए दोस्तों, अपडेट की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं उस अपडेट की तरफ। जुलाई से बदल जाएगी आपकी सैलरी, नया श्रम कानून लागू होने के बाद होंगे बदलाव। नए श्रम कानून को जुलाई महीने से लागू कर दिया जाएगा। इसके तहत चारों कोर्ट्स को फाइनल करने के लिए राज्यों को 2 महीने की डेडलाइन दी गई है। वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर ने सदन में बताया है कि सरकार ने कोरोना संकट को देखते हुए महंगाई भत्ते पर तत्कालीन रोक का फैसला किया था। 1 जुलाई 2021 से इसका पूरा फायदा मिलेगा। सरकार के इस फैसले से 50 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और 60 लाख से ज़्यादा पेंशनरों को लाभ मिलेगा। वर्तमान में उन्हें 17% का महंगाई भत्ता मिलता है, जो 1 जुलाई से बढ़कर 28% हो जाएगा। इस तरह महंगाई भत्ते में अचानक से 11% का उछाल आएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए एक जरूरी खबर है। जुलाई से आपकी सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव होने वाला है। केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने सभी राज्यों को अगले 2 महीने में लेबर कोड के जुड़े नियमों को फाइनल करने के लिए डेडलाइन तय की है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि नए श्रम कानूनों को लागू करने के लिए जुलाई महीने की डेडलाइन तय की गई है, मतलब जुलाई महीने से नए श्रम कानून लागू कर दिए जाएंगे। केंद्र सरकार की ओर से एक साथ ही सभी चारों लेबर कोड्स का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। इंडस्ट्री वाले राज्यों को जून तक की डेडलाइन। अगर जुलाई से नए लेबर कानून लागू हो जाते हैं तो नौकरी पेशा लोगों की सैलरी स्ट्रक्चर में कई तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे। इसके लिए केंद्र ने राज्यों को अब 2 महीने का समय दिया है। जिन राज्यों में इंडस्ट्री है उनके लिए डेडलाइन जून महीने तक के लिए ही होगी। क्या होंगे बदलाव? नए लेबर कोड्स के तहत किसी भी कर्मचारी की सैलरी में अलाउंस 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। नया कानून लागू होने के बाद बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी होगी और मिनिमम वेतन नियम लागू होगा। सभी कर्मचारियों के लिए बीमा का रास्ता भी खुल जाएगा। ये चारों श्रम कानून लेबर कोड, सोशल सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल रिलेशन और OSH से जुड़े कानून हैं। संसद के दोनों सदनों में इसे पारित किया जा चुका है। सभी चारों कानूनों को एक ही साथ लागू किया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर पहला जो है लेबर कोड है, यहाँ पर वेज कोड किसी भी संस्था में काम करने वाले कर्मचारियों के अलावा संगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए भी लागू होगा। इसके तहत कर्मचारियों की सैलरी और बोनस के जुड़े प्रावधानों में बदलाव होंगे। इससे भी सुनिश्चित होगा कि हर इंडस्ट्री, बिजनेस, ट्रेड आदि में एक ही स्तर के काम करने वाले कर्मचारियों को एक समान सैलरी मिलेगी। और जो दूसरा श्रम कानून है, सोशल सिक्योरिटी के तहत सोशल सिक्योरिटी और मैटरनिटी लॉ से जुड़े सभी 9 कानूनों को एक में शामिल किया गया है। और तीसरा जो यहाँ पे है, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के तहत इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 और इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946 को एक कानून में शामिल किया गया है। इस कोड के लागू होने के बाद देश में कारोबारी माहौल को बेहतर करने में मदद मिलेगी। इंडस्ट्रीज पर श्रम अनुपालन का बोझ कम हो सकेगा। और जो चौथा यहाँ पर है, OSH कोड के तहत वर्कर्स के स्वास्थ्य और सुरक्षा को रेगुलर किया जाएगा। किसी भी संस्था में 10 या इससे ज़्यादा कर्मचारियों की संस्था है तो वहाँ इस कोड का पालन करना अनिवार्य होगा। राज्यों का पास भी होगा श्रम कानून को लेकर अधिकार। श्रम मंत्रालय ने
पहले ही इन सभी कोर्ट्स के ड्राफ्ट नियमों को तैयार कर लिया था। इसके बाद आम लोगों के सुझाव मांगे गए थे। चूँकि भारतीय संविधान में लेबर से जुड़े कानूनों को कंटेंट लिस्ट में शामिल किया गया है, ऐसे में राज्यों के पास अधिकार है कि वे हिसाब से इस कानून को तैयार कर सकेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा है, यहाँ पर जो नए श्रम कानून 4 लागू होंगे, वहाँ पर कर्मचारियों को काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। क्योंकि यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों, यहाँ पर 1 और 2 नंबर यहाँ पर दिए गए हैं, जिससे कि और नंबर 1 जो दिया गया है, यहाँ पर वेज कोड किसी भी संस्था में काम करने वाले कर्मचारियों के अलावा असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए भी नियम लागू किया जाएगा। इसके तहत कर्मचारियों की सैलरी और बोनस से जुड़े प्रावधानों में बदलाव होंगे। यहाँ पर यह भी कहा गया है, एक ही स्तर के काम करने वाले कर्मचारियों को एक समान सैलरी मिलेगी। दूसरा जो है यहाँ पे दोस्तों, सोशल सिक्योरिटी भी यहाँ पर मिलेगी। तो दोस्तों, आपको ये अपडेट कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लें, जिससे कि हमारे चैनल पर कर्मचारियों से जुड़ी कोई भी अपडेट आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।